अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इकराम रज़ा ऑफिशियल। तीन वीडियो आपके सामने रख रहा हूं यूपी उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई से। जी हाँ, तीन वीडियो हैं जहां पर ये देखा गया है और ये एक हैरतअंगेज़ वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब तीनों वीडियो को ज़रा देखें कि किस तरह से, कल भी मैंने एक ख़बर अपने इस चैनल पर डाली थी जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार की एक मस्जिद के बाहर शिवान शहर में कोई इलाका पाया जाता, वहाँ पर एक मस्जिद के बाहर किस तरह से नमाज़ें असर के बाद नारे लगाए गए जय श्री राम के। लेकिन अब यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि जहाँ पर ये देखने को मिला है कि मस्जिद के दरवाजे पर जय श्री राम लिख दिया गया है। जी हाँ, तीन वीडियो हैं, तीनों वीडियो आप ज़रा देखें कि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गए तो वहाँ बिल्कुल साफ़ तौर पर ये देखा गया कि मस्जिद के दरवाज़े पर जय श्री राम लिखा हुआ था। आइए इन तीनों वीडियो को मुकम्मल मुलाहजा फरमाएं। इंशाल्लाह बिफजल ताला इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर आप सभी दोस्त जुड़े रहें। आइए ये तीनों वीडियो देखेंगे कि किस तरह से इन वीडियो को दिखाया गया है, क्या ये वीडियो देख करके आपका विचार, आपकी सोच क्या बनती है, ज़रूर कमेंट करके हमें बता कर जाएँ। चलिए वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, इन तीनों वीडियो को आप मुलाहजा फरमाएं और इसी के साथ अलविदा। ताला खोला, गेट पे लिखा हुआ था जय श्री राम और भगवा कलर से पूरा दोनों खंभे भी कलर हुए हुए थे। और जब सबको बुलाया, अकेले थे, कोई था नहीं, फिर सबको बुलाया, महराज भाई को बुलाया, फिर और लोग सब लोग आके इकट्ठा हो गए। उसके बाद फिर पुलिस को इतला दी गई कि पुलिस ले जाए वो, उसके बाद में वो कहने कपड़ा लाओ, ये जल्दी से इसको निकाल दें, फोड़ दें, हटा दें, यही हुआ। फिर उसके बाद भीड़ जमा हो गई, फिर प्रशासन ने कहा कि ठीक है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। कैमरे आसपास में लगे हुए थे, उसमें वहाँ जानकारी लेंगे, देख कर बनाए गए। और एसपी साहब को भी इतला दी गई थी, उन्होंने भी कहा है तो दुर्भाग्य ऐसा ना करना कि जो जिससे लड़ाई दंगा हो जाए, जो जो है इसको हम कार्रवाई करेंगे, इसकी सूचना हम देंगे। रात में किसी समय किसी असामाजिक तत्व ने गेट पर कुछ लिख दिया था और कुछ दीवार पर पुताई भी, पेंट भी लगा दिया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उसको जो है साफ करा दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और BTS आदि से भी तलाश किया जाएगा किसने ऐसा किया है। जहाँ तक इसके किसने किया है या क्या इसकी मंशा हो सकती है, इसके बारे में यह है कि विगत में अभी तमाम त्यौहार रहे हैं, सारे पर्व सांप्रदायिक सद्भाव से निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत